The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, paronychia ya nail infection kya hota hai? नेल के आसपास की जो स्किन है, जो चमड़ी है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए यानी टो नेल्स में, तो उसे कहते हैं पैरोनाइकिया, राइट? इन्फेक्टेड जो चमड़ी होगी वहाँ पर सूजन आ सकती है, लालपन आ सकता है, दर्द हो सकता है और कई बार वहाँ ब्लिस्टर या पस भी भर सकता है। और ज़्यादातर ये पैरोनाइकिया में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई जानलेवा बीमारी नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, और ये अपने आप ही घर में ट्रीट की जा सकती है। रेयर केसेस में इन्फेक्शन फैल सकता है बाकी सारी उंगलियों में पैरों की, और अगर वैसा होता है तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। बट पैरोनाइकिया जो है वो ज़्यादातर केसेस में तभी होता है जब आपके पास में एक इनग्रोन टोनेल होता है। इनग्रोन मतलब जो टोनेल ऐसा ग्रो होना चाहिए वो ऐसा उसकी जगह ऐसा अंदर ही ग्रो हो जाता, ऐसा अंदर ग्रो हो जाता, ऐसा अंदर ग्रो हो जाता, इनग्रो हो जाता है। तो इनग्रो का मतलब क्या होता है, वो चमड़ी के अंदर दबा दबा के ग्रो होता, चमड़ी को छील देता, तो चमड़ी छिल जाती तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता। सो इफ यू आर not likely to get a paronychia in a toe unless you have a ingrown toenail. Same thing can happen in your fingers, in your hand wale nails, right? So fingernail is the most common hand infection, fingernail paronychia yahan par jo hota hai sabse common. So kyun hota hai paronychia? Usually जब भी इंजरी हो जाएगी, इरिटेशन होगा, तो इन्फेक्शन हो सकता है ऑब्वियसली इनग्रोन टोनेल्स की वजह से। और अगर नेल किसी कारणवश डैमेज हो गया या फिर बहुत ही गंदा नेल है, जर्म्स है बहुत ज़्यादा, या फिर बैक्टीरिया फंगाई ये दोनों कहीं से भी आके ना उस स्क्रैच में या छील दिया या ज़्यादा काट दिया आपने नेल, तब भी वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल या फंगल, दोनों, फंगल पैरोनाइकिया एंड बैक्टीरियल पैरोनाइकिया दोनों हो सकते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, अगर आपने फिंगर नेल पुल ऑफ कर दिया, खींच के निकाल दिया, खट निकाल दिया पूरा का पूरा ही, बाइटिंग करके निकाला तो भी पॉसिबल है, या फिर अगर आपने मान लो फिंगर सकिंग बहुत ज़्यादा, अंगूठा चूस रहे हैं, उंगली चूस रहे हैं, तो भी देर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। या फिर मान लो आपके क्लिपिंग बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे नेल काटे, स्किन भी काट गई, या फिर आपने मैनिक्योर बहुत ज़्यादा हैवी वाला करा लिया, या फिर वॉर्म या वाटर में, पानी में खुद ज़्यादा ही पानी में हाथ डाल के रख रहे हैं, या मान लीजिए आपका काम ही है मान लो बर्तन या डिश वॉशिंग करना या कपड़े धोना, तो फिर उस केसेस में आपके हाथों में ऐसे इन्फेक्शन हो सकते। कुछ लोगों को मैनीक्योर के बाद इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज वहाँ पर केमिकल्स जो यूज़ होते हैं, जो ग्लू यूज़ होते हैं आर्टिफिशियल नेल में लगाने के लिए, ग्लू यूज़ होते हैं, उससे इरिटेशन एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा जल्दी ये चीज़ें हो सकती है, और जो जिनको मान लीजिए पानी में जो काम करते हैं, किसी भी प्रकार का पानी का काम, उसमें भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको हो गया पैरोनाइकिया तो मतलब आपके नेल के आसपास में सूजन बढ़ जाएगी, नेल के आसपास में दिक्कत आ जाएगी, जब भी आप टच करोगे दर्द होगा, सूजन आएगी, वार्म फील हो सकता है, और हो सकता है पैरोनाइकिया खुद ब खुद ठीक हो जाए या कुछ लंबे समय तक रहे। कई बार नेल का कलर ही चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत नेल बेड ऊपर उठा हुआ फील हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर वो फैला नहीं है तो उसको क्या करो, वार्म वाटर में 10-20 मिनट के लिए सोक करके रखो दिन में 2-3 बार, और इन्फेक्शन अपने आप 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ, वो क्या करेंगे, जहाँ इन्फेक्शन है उसमें से पस निकाल लेंगे, चाहे एक छोटा सा सुई लगा के या व्हाटएवर, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं, और ज़रूरत पड़ेगा तो एंटीबायोटिक या कुछ मेडिकेशंस आपको दिया जाएगा। पैरोनाइकिया सीवियर हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक खाना ही पड़ेगा। याद रखिए, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। पैरोनाइकिया कॉमन है, बहुत कॉमन है, ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाएंगे। सो एब्सेस बनने से पहले ठीक करें, उसके लिए प्रिवेंशन करें, प्रिवेंशन के लिए अपने नेल्स को ज़्यादा छोटे छोटे ना काटें,
बहुत छोटे छोटे ना काटें, बहुत ज़्यादा पानी में हाथ रखें ना, और क्यूटिकल जो होता है ये ऊपर का पार्ट, उसको डैमेज ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यूटिकल, जो नेल के ऊपर का पार्ट है। और अगर ज़्यादा पानी में काम करते हो तो ग्लव्स पहने, डायबिटीज़ है तो डायबिटिक कंट्रोल में हाइजीन इंपॉर्टेंट है, मैनिक्योर पेडिक्योर जो है वो कम करो, इतना भी ज़्यादा नहीं कि रोज ही कर रहे हैं, हफ्ते में जो भी है मेक इट राइट, मेक श्योर कि इसको लिमिट में रखें। नेल का ख्याल रखने के लिए नेल केयर वाला भी एक अलग से वीडियो है हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे जाके नेल बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करेंगे तो आएगा, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन डाल दिया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, ये हुई नेल की बातें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। थैंक यू सो मच।